प्रोफेसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा कि वो रूम में लेके जाएंगे मुझे। मैं और हाइपर हुई और मैं और चलाने लगी। फिर उन्होंने आके भी मुझे फेस पे लात मारा, बहुत ही जोर से बोली कि आप ये नहीं कर सकते हैं और ये इलीगल है, क्योंकि वो मिलिट्री आर्मी में है और आप उनको सेल में नहीं, कस्टडी में नहीं ले सकते हैं। और मैंने उनको एक्सप्लेन और आइडेंटिटी करवाया कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं समझ रही हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं क्रिमिनल है, आप नहीं कर सकते इसको। फिर वो मुझे अब्यूज़ करना शुरू किए, वन ऑफ द फीमेल ऑफिसर्स, उड़िया में कि तू अब कौन बेसी बताई हूँ, और फिर बहुत सारे अब्यूज़ दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा FIR, प्लीज़ बताएं। मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी, मैं जो सोच पा रही हूँ, मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर तीन लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा रहे हैं, इसी बोते हुए, और फिर बहुत सारे अब्यूज़ दिए उन्होंने। मैंने फिर अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरा FIR, प्लीज़ बताएं। मुझे रीज़न नहीं पता है अभी भी, मैं जो सोच पा रही हूँ, मेरा उनको इतना बोलना और उनको रिकॉर्ड करना उनको शायद गुस्सा दिलाए, और इसलिए उतने में ही एक फीमेल ऑफिसर ने आके मुझे बाल पकड़ते हुए खींचा। जब खींचा उतने में और एक लेडी ने उनको ज्वाइन करते हुए मुझे थप्पड़ मारा और नीचे गिराया, और फिर तीन लेडी ऑफिसर्स मेरा बाल खींचते हुए घसीट के मुझे ले जा रहे थे। तब तक एक कॉरिडोर में थे तो मैं जितना भी स्ट्रगल कर पाई उनसे बचने के लिए, दीवार पकड़ के उनको फाइट करते जो मुझे दिख रहा था, उनके हाथ पैर, मैं स्ट्रगल और फाइट करने की कोशिश कर रही थी। उतने में एक लेडी ऑफिसर ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनके हाथ पे बहुत जोर से बाइट किया कि मुझे छोड़िए, आप नहीं कर सकते ये सब। फिर कंटिन्यूसली 20-30 मिनट्स तक मैं स्क्रीम करती रही फॉर हेल्प। कॉरिडोर के एंड में देखा तो एक मेल ऑफिसर आर्म्स क्रॉस करके खड़े होकर बस देख रहे थे। कुछ मिनट तक मैं सर हेल्प चिल्लाती रही, वो बस स्टेप कर रहे थे और अपने लेडी ऑफिसर्स को बोले तक भीतर नहीं कि जा से पार्टी करो ची बाहर के सुनी बाबू। तो फिर वो मुझे और खींचने लगे और ये सुनते ही कि वो रूम में लेके जाएंगे मुझे, मैं और हाइपर हुई और मैं और चलाने लगी। उन्होंने मेरा जैकेट रिमूव किया और उसी जैकेट से मेरे हाथ पीछे बांधे और एक लेडी ऑफिसर के स्कार्फ से मेरा पैर बांधा, और फिर मुझे लेके रूम में जब डाला तो मेल ऑफिसर मेरे हाथ पे और एक ऑफिसर मेरे पैर पे अपना वेट दे के खड़े हो गए ताकि मैं मूवमेंट ना करूं, और एक फीमेल ऑफिसर मुझे कंटिन्यूअसली फेस पे किक करती रही, बॉडी पे मारती रही, और फिर वहाँ पर मुझे उन्होंने कुछ देर छोड़ दिया था, करीबन 15-20 मिनट, और मैं चिल्ला ही रही थी कंटिन्यूअसली। तब तक फिर 6 बज गए होंगे क्योंकि मुझे पता था कि 6 बजे उनके IIC ने आना था, तो IIC फिर रूम एंटर करते हैं, वो वापस तीन लेडी ऑफिसर्स एंटर करते हैं मुझे, और फिर वापस मुझे पीट रहे थे, और फिर IIC ने मुझे चिल्ला के बोला कि कहें कि इतने पार्टी में कर चु तो रिकॉर्ड नहीं ची। देन मैंने उनको बताया कि अगर आप यहाँ पे सीनियर हैं और अभी आए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने आके भी मुझे फेस पे लात मारा और एक लेडी ऑफिसर ने मेरा पैंट पुल डाउन किया, और वो IIC ने अपना शर्ट रिमूव कर टेक आउट करके अपना पैंट नीचे करके अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मेरे मुंह के सामने हिला के बोला कि तू कहते थोड़ो ने वो कि चुप हो। फिर उसके बाद ये एक्शन देख के आई हैड लॉस्ट ऑल होप कि मारा पीटी तो हो रहा है, अब ये नहीं हो सकता मेरे साथ। तो मैंने अपना फेस ग्राउंड में ही ऐसे अंदर दबा दिया था और फिर मैं बस प्लीज 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 नो चिल्ला रही थी। उसके बाद वो लोग फिर बाहर चले गए, और कुछ देर के बाद गुरुवंश आए।